जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मैं धर्मवीर गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव परासर सर, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने जीवन के कुछ समय को दिया और उसके बाद इन्होंने ये ठाना है कि अपने क्षेत्र के सभी युवाओं को, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को तैयार करना है। किन चीजों के लिए? सैनिक स्कूल के लिए, यानी कि स्नाइपर डिफेंस एकेडमी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बच्चों को इस गारंटी के साथ एडमिशन लेता है कि उनके भविष्य को वो निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। तो हम किस किस चीज की तैयारी कराते हैं, किस किस चीज के एडमिशन लेते हैं? सबसे पहले हम कराते हैं सैनिक स्कूल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, RIMC कर सकते हैं आप, उसके अलावा नवोदय स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी दूर क्षेत्र में रहते हैं तो आप बच्चे को हमारे पास छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिससे कि बच्चे बार बार घर जाएं तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यहीं पे रहेंगे, यही तैयारी करेंगे, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा वो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने जो ड्रीम बच्चों के लिए देखा है, उसी क्रम में हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं, जैसे कि आप हमें YouTube पे भी देख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमारे इस सेंटर पे आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, और बच्चों का अगर एडमिशन चाहें तो आप करा सकते हैं। तो मैं आज आपको इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, और वो चैप्टर होगा बच्चों, उस चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। जैसा बच्चों आई थिंक यू ऑल नो कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो मैं आपको बताऊं वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट है बच्चों वो है 7 कॉन्टिनेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इससे आता ही आता है हर एक एग्जाम में, अगर आप सिक्स का भी दे रहे हैं या नाइन्थ का भी आप दे रहे हैं। जैसे सपोज अगर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसे पूछ ले जाए विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सो योर आंसर वुड बी एशिया। एंड एज यू नो दैट इंडिया, द कंट्री वेयर वी लिव, लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में जो है एशिया है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है। एक और बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इट इज वन एंड ओनली कॉन्टिनेंट, जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर है, और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं इसे बच्चों, अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपसे पूछ ली जाए तो वो कैपिटल क्या होगी? इस क्वेश्चन के जवाब को आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आगे की ओर चले हम, तो एक और चीज देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि 7 कॉन्टिनेंट है, आप बात समझ गए, लेकिन ये 7 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में कहां है? तो देखिए ये आपके सामने है वर्ल्ड का मैप। अब इस वर्ल्ड के मैप में आप देखें बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात आपको, जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। जब भी आप मैप से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और इसमें बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी कंट्री आती है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक एक कंट्री हम सभी की देखेंगे। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के आप नीचे की ओर देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स के वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका एशिया। तो एशिया देखिए आपको येलो रंग से हाईलाइट हो रखा है। उसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, यानी कि मैप पे अगर हम देखें तो 1
टू थ्री फोर फाइव कॉन्टिनेंट आपके सामने आ गए। अब मैंने तो कॉन्टिनेंट बताए थे कितने, सेवन, तो बाकी के दो कहाँ हैं? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात यह है, ये आपका नीचे की अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है और उसके अलावा ये रहा अंटार्कटिका। तो आई होप आपको सेवन कॉन्टिनेंट दिख गए होंगे वर्ल्ड के मैप में, ये इनकी लोकेशन आ रही है। एक और चीज, इन कॉन्टिनेंट के अलावा कुछ और चीज भी आ जाती है, जैसे आपको पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, इक्वेटर दिखाई दे रहा है। अब इक्वेटर पे भी ये क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो बीच से होके जाती है, यानी कि इक्वेटर इज अ इमेजिनरी लाइन विच कैन डिवाइड अर्थ और ग्लोब इन टू इक्वल पार्ट, और इसकी पोजीशन क्या है, जीरो डिग्री पर। क्लियर बच्चों? आगे हम बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट की, अगर मैं बात करूं तो देखिए एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बच्चों क्या चीज है, सबसे पहले पॉइंट को हम देखें। और एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बन पाए और सभी लोगों का भला हो पाए। और एक और चीज, वीडियोस के साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि आप उसके नोट्स बनाते रहें। जैसे सबसे पहली बात एशिया, एशिया क्या है बच्चों, एशिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मैंने आपको बताया था। और वर्ल्ड में टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, सेवन कॉन्टिनेंट है। अब ये सेवन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा है वो तो एशिया हो गया। आगे देखें, एशिया क्या करता है, जो वन थर्ड सरफेस है अर्थ का उसे कवर करता है, यानी जो अर्थ है अर्थ का वन थर्ड हमारा एशिया पे होता है, ठीक है, जो लैंड की बात हम बेसिकली करेंगे। 30% आ गई बात, 60% पॉपुलेशन, यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60% कंटेन करता है एशिया कॉन्टिनेंट। तो यानी पॉपुलेटिंग, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, एशिया। इट इज वेरी इजी, क्योंकि अगर मैं आपसे सिंपली से क्वेश्चन पूछ लूं विच कंट्री हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो आप चुटकी में मुझे जवाब दे देंगे कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब क्या है, चाइना। और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, और ये दोनों की दोनों कंट्रियां कौन से कॉन्टिनेंट में है बच्चों, ये है एशिया में। तो ऑब्वियस बात है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस कॉन्टिनेंट में होगी वो कौन सा होगा, एशिया कॉन्टिनेंट। आगे बात करें तो देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि वर्ल्ड में दो सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया एंड चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में आ रही है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट बात करें अगर आगे हम, तो आगे एक और चीज देखें बच्चों, अब एशिया की बात तो हमने कर ली, लेकिन एशिया से कनेक्टेड और भी तो चीजें हैं। तो देखें, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु होता है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848। माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा नेपाल में, और नेपाल इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में, तो नेपाल भी कहां होगा, एशिया में। क्लियर बात? अब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट का लोकल लैंग्वेज में नेपाल में क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखें, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, डेड सी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेड सी कहां होता है, तो डेड सी की लोकेशन मैंने स्लाइड्स में मेंशन करी है, ये बेसिकली नियर बाय पड़ता है इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। क्लियर बात? अब एक और चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट, क्लियर, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया आपका, माउंट एवरेस्ट, कहां है, नेपाल में। इसके अलावा एशिया को अगर हम ज्योग्राफिकली देखें किससे कनेक्ट हो रहा है, तो एशिया नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में आ जाता है आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे छोटा ओशन होता है बच्चों, आर्कटिक इज द
स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, एंड द लार्जेस्ट इज एशिया कॉन्टिनेंट। उसके ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट किसकी, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में तो होता है आर्कटिक ओशन, ईस्ट में अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट ओशन की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन, और ये डीपेस्ट ओशन भी है। इसके अलावा अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में हो जाता है इंडियन ओशन। ये तीनों की तीनों लोकेशन हमने किस कॉन्टिनेंट के बारे में समझी, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। आगे देखें द लार्जेस्ट लेक, एक और चीज एग्जाम में आती है कि कैस्पियन सी, कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर, ये कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये यूरोप और एशिया दोनों के आसपास है और दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आ जाए लार्जेस्ट लेक, तो लार्जेस्ट लेक कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सी, ये इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सो आंसर वुड बी कैस्पियन सी, क्लियर। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो वो है यांगत्से जी, जो कि चाइना में है, नाम से ही पता चल रहा है। अब मैंने आगे देखिए एक पॉइंट छोड़ा है कि वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, अमेजन, और वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नाइल, और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा। तो तीन बातें हुई, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन, और एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यांगत्से जी, क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, जय हिंद।